हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैंने क्रिएट की हैं कुछ आप लोगों के लिए ऐसी लुक्स जिन्हें आप आगे आने वाले फेस्टिवल सीजन में यूज़ कर सकते हो। और जितनी भी आउटफिट्स आज आप देखने वाले हो इस वीडियो के अंदर, उन्हें मैंने पिक किया है अमेज़ॉन से। और अमेज़ॉन पर आपको पता है कि एक्सचेंज एंड रिटर्न काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, कैश ऑन डिलीवरी आपको अवेलेबल है और टाइम टू टाइम आपको बहुत ही अच्छी डील्स एंड डिस्काउंट्स भी हैं जो अमेज़ॉन पर मिल सकते हैं। आजकल हम लोग शॉपिंग तो बहुत सारी कर लेते हैं लेकिन अलमारियां भर जाती हैं, लेकिन हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होता। तो मेरा पर्पस ये होता है कि मैं ऐसी आउटफिट्स को पिक करूं जिन्हें आप मल्टीपल तरीकों से स्टाइल कर सकते हो। वैसे कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और जो सबसे पहले आउटफिट मैंने पिक की है अमेज़ॉन से वो है ये ब्लैक चिकनकारी कुर्ता। और इस कुर्ते के अंदर आपको बहुत सारे कलर हैं जो अवेलेबल हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। अगर इस कुर्ते की एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी में ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग इस कुर्ते के ऊपर जो काम है काफी ज्यादा खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लुक क्रिएट होता है इस कुर्ते के साथ वो काफी हैवी लुक क्रिएट होता है, तो लाइक आप फेस्टिवल्स के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हो इस कुर्ता को। इस कुर्ते में योक के ऊपर लाइनिंग लगी हुई है और योक के बाद लाइनिंग नहीं है। मैंने यहां पर इस कुर्ते के अंदर अपनी ब्लैक स्लैक्स को पहना है और ये फुल लेंथ कुर्ता है। मेरी हाइट 5'1" है, जिनकी हाइट मुझसे ज्यादा है उन्हें ये थोड़ा सा ऊंचा आएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसे किसी चूड़ीदार के साथ आप लोग जो है पहने, या इसके अंदर आप मेरी तरह बिल्कुल अपनी जिम पैंट्स को कैरी कर सकते हैं। और इस ब्लैक चिकनकारी कुर्ते का जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट और काफी अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट है। और इसके साथ ये एक आपको दुपट्टा भी है जो मिलता है, जिसमें आगे इस तरीके का डिजाइन दिया हुआ है कि आप इसको नेक पर कन्वीनियंटली ले सकते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं लगी इस दुपट्टे की, तो मैंने इसको ऐसे ही पहनना पसंद किया है, लेकिन बिल्कुल आप दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। और इस लखनवी कुर्ते को मैंने स्टाइल किया है कुछ जंक ज्वेलरी के साथ, और जंक ज्वेलरी में भी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट पीसेस का, यानी कि थोड़े बड़े और बोल्ड पीसेस का इस्तेमाल किया है। लुक को मैंने कंप्लीट किया है हाई हील्स के साथ। ये हाई हील्स भी अमेज़ॉन से ही है, इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस सिल्वर क्लच ने तो इस लुक में चार चांद लगा ही दिए हैं। और नेक्स्ट लुक मैंने क्रिएट की है ईशीन के इस शरारा कुर्ता सेट के साथ। और ईशीन जो है काफ़ी अच्छा ब्रांड है, टॉप रेटेड ब्रांड है अमेज़ॉन का, फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मैं काफ़ी टाइम से इस ब्रांड को देख रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को और खुद इस्तेमाल भी कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। और कॉटन की भी जो क्वालिटी ये ब्रांड यूज़ करता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये जो शरारा सेट है इसका भी जो फैब्रिक है वो कॉटन है। और इस शॉर्ट कुर्ते में आपको जैकेट स्टाइल की डिटेलिंग है जो दी गई है योक के ऊपर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गोटा जो है यूज किया गया है पूरे आउटफिट के ऊपर, और बहुत ही अच्छी खूबसूरत डिटेलिंग है जो पूरी आउटफिट में, यानी कि शरारा में आपको मिलेगी और कुर्ता में आपको मिलेगी। ब्लॉक प्रिंटिंग का ये शरारा सेट है, और जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड आउट ऑफ स्टाइल नहीं होती है। बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया है ब्रांड ने, और जो दुपट्टा इसके साथ आता है वो भी मैचिंग प्रिंट में ही है, काफी अच्छी लेंथ है, विड्थ है, काफी खूबसूरत सा दुपट्टा है। इस तरीके का दुपट्टा है कि जब आपका ये कुर्ता सेट अच्छे तरीके से आप पहन लें तो लेटर ऑन स्टेजेस में आप बिल्कुल इस दुपट्टे की एक शर्ट भी है जो अपने लिए बनवा सकते हैं। इस शरारा सेट को मैंने फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही स्टाइल किया है, कुछ जंक बोल्ड पीसेस का इस्तेमाल किया है, स्टेटमेंट झुमकास पहने हैं, काफी बड़े साइज की रिंग को मैंने कैरी किया है, और लुक को मैंने कंप्लीट किया है अपने सिल्वर क्लच के साथ। और ये जो सिल्वर क्लच है ये भी अमेज़ॉन से ही है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो भी बहुत ही खूबसूरत कुर्ता सेट है ब्लू कलर में, और जो फैब्रिक है इस कुर्ता सेट का वो है कॉटन सिल्क, और पूरे कुर्ते में अंदर लाइनिंग लगी हुई है। कुर्ते के नेकलाइन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है, और एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर आपको कुर्ते की स्लीव्स पर भी दिया गया है और कुर्ते के बॉटम में भी दिया गया है।
और इस कुर्ते के साथ आपको मिलती हैं स्लिम पैंट्स, जिसका कि जो फैब्रिक है वो कॉटन सिल्क ही है, और इसके साथ आता है बहुत ही खूबसूरत हैवी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा। और बिल्कुल आप इस दुपट्टे को यूज़ कर पाएंगे अपने कुछ ब्राइट कलर के कुर्तास के साथ भी। बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है, लेंथ एंड विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पूरे दुपट्टे की। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत कुर्ता सेट है, आप इसको बिल्कुल किसी भी सेमी फॉर्मल फंक्शन में जो है पहन सकते हो। और जो बेसिक स्ट्रेट कुर्ता सेट्स पहनना ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैंने इस कुर्ता सेट को सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर क्लच के साथ स्टाइल किया है, लेकिन बिल्कुल आप इस कुर्ता सेट को पर्ल ज्वेलरी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, या अगर आपके पास लाइट पिंक कलर की ज्वेलरी है तो आप उसको भी कंबाइन कर सकते हो इस कुर्ता सेट के साथ, और बहुत ही एक सॉफ्ट फेमिनिन लुक जो है क्रिएट कर सकते हो। और मैं बिल्कुल आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग कंटिन्यूसली देखते हैं इस चैनल को, कि बिल्कुल आपको अपने एक कुर्ता सेट को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसरीज के साथ स्टाइल करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके अपनी क्रिएटिविटी के लिए, आपके अपने पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल को इवॉल्व करने के लिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पर्सनल सिग्नेचर स्टाइल को फॉर्म करने में, तो आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल स्टाइल सेशन के लिए, उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट आउटफिट। तो कभी कभी कुछ आउटफिट्स ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप एक्सेसराइज नहीं भी करेंगे, ज्वेलरी स्किप कर देंगे या क्लच नहीं लेंगे, वो तब भी अच्छी ही लगने वाली हैं। और ये जो आउटफिट आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये आपको थ्री पीस में मिलती है। शॉर्ट कुर्ता आता है, साथ में धोती आती है, और फिर आती है एक ब्रोकेट की जैकेट। तो सबसे पहले जो ये शॉर्ट कुर्ता एंड धोती है, ये बहुत ही कन्वीनियंट सा स्टाइल आप कह सकते हैं। आप बिल्कुल इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं, एक दुपट्टा को कंबाइन कर सकते हैं इस धोती और इस शॉर्ट कुर्ता के साथ, तो भी आपकी एक आउटफिट जो है क्रिएट हो जाएगी। ब्राइट येलो ये कलर है और बहुत ही खूबसूरत कलर है ये आउटफिट जो है। मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगी कि बिल्कुल हल्दी फंक्शंस के लिए भी एक बहुत अच्छा आउटफिट है। और इस शॉर्ट कुर्ता की नेकलाइन के ऊपर गोल्ड कलर की एम्ब्रॉयडरी है, काफी महीन सा काम है, और इससे ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी गई है इस कुर्ता के ऊपर, और मुझे लगता है रिक्वायर्ड भी नहीं है। और धोती का भी जो स्टाइल है वो टिपिकल धोती स्टाइल नहीं है, ये थोड़ी ऊंची धोती जो है आपको आएगी, और आजकल इस किस्म का धोती स्टाइल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इस आउटफिट को आप एक ट्रेंडी आउटफिट भी कह सकते हैं। जो जैकेट इसके साथ आती है उसमें अंदर पॉकेट्स हैं, फ्रंट ओपन ये जैकेट है, और ब्रोकेड की जो क्वालिटी यूज़ की है ब्रांड ने वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी अमेज़ॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा कलर जो है अवेलेबल नहीं है इस आउटफिट में, लेकिन ये बहुत खूबसूरत आउटफिट है, यानी कि काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट आप इसे कह सकते हैं। और क्योंकि फुल स्लीव्स है इस आउटफिट की और ब्रोकेड की जैकेट है, तो बिल्कुल इस ट्रांजिशन वेदर के लिए या आगे आने वाले विंटर सीजन के लिए काफी परफेक्ट आउटफिट है, जो आप सोच सकते हो हल्दी फंक्शन के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, या बिल्कुल आप इस आउटफिट को पहनकर जा सकते हो किसी वेडिंग को अटेंड करने के लिए। बहुत खास ज्वेलरी की जरूरत नहीं है इस आउटफिट को आपको स्टाइल करने के लिए। मैंने बेसिक से रोज गोल्ड कुंदन इयररिंग्स पहने हैं, मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म हील्स पहनी है, लेकिन आप बिल्कुल पेंसिल हील्स भी पहन सकते हैं, वो और ज्यादा इंप्रेसिव लगेंगी। एक स्टेटमेंट रिंग और पर्ल के क्लच के साथ मैंने लुक को कंप्लीट किया है। और अब बात करते हैं मेरी फेवरेट लुक की, जो कि है ये इंडिगो साड़ी। तो मेरे पास ऑलरेडी इंडिगो साड़ी है चंदेरी फैब्रिक में, जिसको मैंने अमेज़ॉन से बहुत साल पहले मंगवाया था जब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था। लेकिन आप कह सकते हैं ना कि कभी कभी आपको लाइफ में वैरायटी की ज़रूरत होती है, और बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था कि मुझे कॉटन इंडिगो साड़ी जो है चाहिए। तो अमेज़ॉन पर कस्टमर रिव्यूज़ पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया इस साड़ी को मंगाना अपने लिए। तो इस साड़ी का जो फैब्रिक है वो है प्योर कॉटन, और काफी सॉफ्ट वाला कॉटन जो है आप कह सकते हैं, काफी अच्छा फील है इस साड़ी का। और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी मैं पहनूं उसमें मैं कैसा फील कर रही हूं, फैब्रिक का टेक्सचर कैसा है, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपके लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपका जो भी आउटफिट आपने पहनी है उस फैब्रिक से अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो आप उसमें अच्छा फील नहीं कर सकते हैं। ये मेरी फिलॉसफी है, एंड जो लोग इससे एग्री करते हैं मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में।
तो आज इस इंडिगो साड़ी को पहन के मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस जो है वो फील हुआ। आप बिल्कुल इंडिगो साड़ीज को स्टाइल कर सकते हो कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउजेस के साथ भी, येलो, फ्यूशिया, रेड बहुत खूबसूरत लगते हैं इंडिगो साड़ीज के साथ। लेकिन आज मैंने सिंपली अपने इस ब्लाउज को, या आप इसे टॉप कह सकते हैं, ये शॉर्ट टॉप है जिसको मैंने पहना है अपनी इस इंडिगो साड़ी के साथ। छोटी सी रेड बिंदी लगाई है। साड़ी की जो लेंथ एंड विड्थ है काफी ज्यादा अच्छी है। साड़ी के अंदर ही आपको एक कॉटन प्रिंटेड ब्लाउज है जो मिलता है, जिसको मैंने अभी स्टिच नहीं कराया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये ब्लाउज था। और हम सब जानते हैं कि इंडिगो प्रिंट्स को जंग ज्वेलरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है, इसलिए मैंने यहाँ जंग ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया है। लेकिन मैं इंडिगो प्रिंट्स को गोल्ड ज्वेलरी के साथ भी स्टाइल करती हूँ, और आपने देखा है कि मैं किस तरीके से करती हूँ। एंड आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपकी मदद करेगा अमेज़ॉन से कुछ अच्छी शॉपिंग करने में। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक किया कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मुझे एनकरेज करने के लिए। और जितनी भी आउटफिट्स आज आपने देखी हैं इस वीडियो के अंदर, उन सब के लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं कहाँ मिलूँगी? मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। टिल देन कीप गोइंग and keep growing.